अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम ज़ुआद की आधी शक्ल लिखेंगे और याद करेंगे। पेरेंट्स बच्चे को इस तरह पेज रेडी कर देंगे, ऊपर दिन और तारीख लिख देंगे। चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहचान करें और रंग भरें, पहचान करें और रंग भरें। स्टूडेंट्स ये क्या है? ज़ुआद। क्या है ये? ज़ुआद। ज़ुआद किसके बाद आता है? स्वाद, ज़ुआद, स्वाद, ज़ुआद। और ये क्या है? ज़ुआद की आधी शक्ल। ये क्या है? ज़ुआद की आधी शक्ल। ये देखें जिस तरह इसको हमने हाफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ज़ुआद की आधी शक्ल। ओके स्टूडेंट्स, ज़ुआद की आवाज़ क्या होती है? ज़ुआज़ा। ज़ुआद की आवाज़ क्या होती है? ज़ुआज़ा। चलें ज़ुआद में सबसे पहले हम रंग भरते हैं, इसकी आउटलाइन करें, फिर इसमें रंग भरना। अब इसमें रंग भरें। तो इस तरह गोल करना है, फिर थोड़ा सा आगे ला के इसको नीचे की तरह सीधी लाइन, फिर इसको नीचे से गोल कर देना। ये क्या है? ज़ुआद। ज़ुआद की आवाज़ क्या होती है? ज़ुआज़ा। ज़ुआद की आवाज़ क्या होती है? ज़ुआज़ा। ज़ुआद का एक नुक्ता होता है। अब हम ज़ुआद की आधी शक्ल लिखेंगे, उसमें रंग भरेंगे। सबसे पहले इसकी आउटलाइन करें। आउटलाइन करें तो इसमें रंग भरें। ज़ुआद की आधी शक्ल का एक नुक्ता होता है, ये नुक्ता है, इसमें हम रंग भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? ज़ुआद। और ये ज़ुआद की आधी शक्ल। ज़ुआद की आवाज़ क्या होती है? ज़ुआज़ा। चले स्टूडेंट्स अब हम ज़ुआद की आधी शक्ल लिखते हैं और इसे अच्छे से याद करते हैं। क्या लिखने लगे हम स्टूडेंट्स? ज़ुआद की आधी शक्ल। इस नुक्ते से शुरू करना है, इसको भी स्वाद की तरह गोल करना है, कर लिया गोल, फिर आगे से इसको रे की तरह कर देना, ठीक है, और ऊपर एक नुक्ता। कैसे? इसको ऐसे गोल किया, थोड़ा सा आगे ले जा के रे की तरह इसको कर देना और ऊपर एक नुक्ता। ये क्या है? ज़ुआद की आधी शक्ल। इसी तरह हम इसको पूरे सफ़े पे लिखेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़ुआद की आधी शक्ल। ये क्या है? ज़ुआद की आधी शक्ल। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है और अच्छे से लिखना है। अल्लाह हाफिज़।